जैन यूथ सोशल ग्रुप चेंबूर द्वारा चेंबूर जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन वीएस पासी वीक टर्फ शिवाजी टेक्निकल स्कूल घाट कोपर में किया गया। आपको बता दें कि जैन यूथ सोशल ग्रुप चेंबूर ने इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैच का आयोजन किया था, जिससे जैन समाज के युवाओं में खेल भावना विकसित होने के साथ साथ आपस में मेल मिलाप बढ़े और बिजनेस के क्षेत्र में जैन यूथ एक दूसरे का सहयोग करे। कार्यक्रम की शुरुआत नमस्कार महामंत्र झंडारोहण राष्ट्रगान से हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन मूर्ति पूजक जैन संघ, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, तेरापन समाज संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया। मैच प्रायोजक की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर हब टाउन सीजन रहे। चेंबूर जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 में कुल पुरुष की 15 टीम रही, वही बच्चों की 5 टीम रही, वही महिलाओं की भी 5 टीम रही। पुरुषों का फाइनल मैच कोठारी सुपर गेंस रहे, जिसके कैप्टन ऋषभ कोठारी और तुलसी टाइटंस जिसके कैप्टन चिराग बापना के बीच हुआ, जिसमें विजेता कोठारी सुपर गिट्स रहे। टीम के ओनर ऋषभ कोठारी रहे। पहला टीम का फाइनल मैच टीजे टाइटंस जिसके कैप्टन खुशी आचलिया और वी वॉरियर्स विद्या ढेलावत के बीच हुआ, जिसमें टीजे टाइटंस विजेता बनी, जिसके ओनर खुशी आचलिया रही। क्रिकेट मैच के बीच में आए हुए मेहमानों और स्पॉन्सर का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रकाश फातर पेकर और नगर सेविका आशा ताई मराठे की खास मौजूदगी रही। तो ही जैन यूथ सोशल ग्रुप के सभी मेंबर्स ने सभी स्पॉन्सर्स और पधारे हुए सभी मेहमानों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह के खेल का आयोजन करते रहेंगे। इस पर देखिए मौरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की खास कवरेज। नहीं, बच्चे लोग एक साथ में जुड़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि चेंबूर के कम से कम आज की तारीख में 24 टीम, 24 तीर्थंकर हमारे जैन समाज के, वैसे ही 24 टीम आज खेल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और 24 टीम में से कहने का मतलब है कम से कम 300-350 बच्चे एक साथ होके, ये जैन समाज के लिए बहुत अच्छी बात। सर, जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है, आगे अगर इनका मैच होता तो किस तरह आगे भी रहे, हर टाइम हम तैयार हैं। आज का गणतंत्र दिवस तो सब जन दुनिया मना रही है और हर जगह इस टाइप से मना रहे हैं, ऐसे ही मनाते रहे। आप चेंबूर जैन प्रीमियर लीग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? चेंबूर के रणबांकुरे राष्ट्रीय स्तर के स्टेट लेवल के प्लेयर हैं। चेंबूर का नाम पूरे मुंबई में एक विशिष्ट स्थान रखता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह तीसरा एडिशन बहुत ही शानदार रूप से गुजरेगा और इसके लिए मैं सभी रणबांकुरों को, सभी प्लेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप चेंबूर का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हुआ चेंबूर जैन प्रीमियर लीग के लिए? ये चेंबूर प्रीमियर लीग का ये थर्ड है ना, तीसरा एडिशन है, और तीसरे एडिशन में एक तरीके से 24 टीमें हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 24 सन हैं, और मेरे को लगता है कि अगले साल जब 25 में जुड़ेंगे हम, तो शायद हमारे, आज सुबह पुखराज साहब बता रहे थे, अशोक जी बता रहे थे कि हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर डेली चलते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि जो स्पीड से बुजुर्ग है, तो हमारी एक टीम जो सीनियर है उनकी भी एक होनी चाहिए अगले साल 25 में, तो इसका ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये जो ऐसा लग रहा है कि हमें भी इन प्लेयर को देख के हमारी जो क्रिकेट की टीम का उत्साह याद आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली एक भविष्य, सुंदर भविष्य 25वीं टीम के लिए हम तैयार है, और हमारा भी इसमें आयोजन में हम केवल ये प्रायोजक और उस रूप में नहीं, हम पूरा श्रेष्ठ हम हमारी टीम दे के भी हम करना चाहेंगे, ऐसी मंगल कामना मैं पूरे समाज की तरफ से करता हूँ। चेंबूर जैन प्रीमियर लीग का जो तीसरा सेशन चालू होने जा रहा है, मैं स्थानकवासी जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं कि ये टीमें सब आगे बढ़े और मुंबई के स्तर पर आगे जाए। सबसे पहले तो 26 जनवरी आज राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस की मैं चेंबूर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और चेंबूर संघ जो CGPL के माध्यम से हमारे युवा साथियों ने पूरे जैन समाज को जोड़ा है, ये बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है, ये ऐतिहासिक, ये तीसरा आयोजन हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा आयोजन क्रिकेट का हो, और आने वाली महावीर जयंती भी हम ये CGPL के माध्यम से चेंबूर जैन समाज की एकता दिखाई दे। हम ये चाहते हैं कि CGPL के सभी खिलाड़ियों को, सभी प्रायोजकों और सभी कमेटी मेंबर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आयोजन आप हर वर्ष करें, सभी का सहयोग हमेशा तन मन धन से हमेशा रहेगा। प्रीमियर लीग सीजन के लिए हमारा चेंबूर का भी अहोभाग्य है कि चेंबूर जैन युवा प्रीमियर लीग जो आज ये चौथा अपना एक कर रहा है कार्यक्रम, और इसमें हमारे चेंबूर सी संघ से भी 10 से 12 जन जुड़े हुए हैं, और ये चारों संप्रदायों का एक सम्मिलित आयोजन होता है, और इस आयोजन की वजह सिर्फ क्रिकेट नहीं है अपितु पूरे संघ समाज को जोड़ना है, जो ये हर कार्य हमेशा करता आया और पूरे संघ को समाज को जोड़ते भी आया है। इसमें कनिष्ठ वरिष्ठ सभी का सहयोग और साथ रहता है, और सब जन मिलकर कार्य करते हैं। ये हम श्री वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़, मुंबई उप संघ चेंबूर की ओर से, और जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की ओर से मैं जैन युवा प्रीमियर लीग के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय गुरु अम्बे, सौभाग्य मदन। प्रीमियर लीग के आप 4 और 6 के स्पॉन्सर हैं, सब कैसा लग रहा है मैच, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगता है, सब शासन साबाद के मिलके एक साथ में आ रहे, ऐसे ही आगे करते रहे, यही शुभकामना है। सर क्या कहना चाहेंगे जैन, चेंबूर जैन? हमारे जैन समाज के सभी बच्चों ने मिलकर जो कोशिश की है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम ये चाहते हैं कि ये कोशिश उनकी बरसों बरस चलती रहे, और समाज के सभी लोग एकजुट होकर इस कार्य में उनका सहयोग करें। प्रीमियर लीग का जो सीजन 3 हो रहा है, बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है, 15 टीमें भाग ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चेंबूर जैन प्रीमियर लीग जो चेंबूर में आयोजन हो रहा है, आज गाड़गोबर में आयोजन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है, और इसमें मेन चीज़ वो है कि युवाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। आज युवा अगर जुड़ेंगे, एक दूसरे से पहचान बढ़ती है, और इसमें जैन समाज की पूरी एकता दिखती है, और हमारे तीनों द्वारा, बाबूलाल जी, भगवती लाल, मुकेश जी, और हमारे साथ में शौकीन जी भी है, हमारे सबके द्वारा एक डक का जो है हमारे द्वारा स्पॉन्सर किया गया, ये साल में हम लोग भी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं, और हमारे चेंबूर जैन संघ तो पूरा समाज सहयोग करता ही है, आगे भी हम इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे, और ये ऐसे समाज का आगे बढ़ता रहना चाहिए, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा तो आगे आगे दिन हम लोग सब जैन समाज आगे जुड़ता जाएगा, इसी हम शुभकामना देते हैं, ऐसे हमेशा आयोजन होता रहे। जय जितेंद्र, जय महावीर। प्रीमियर लीग सीजन 3 बहुत ही हाईटेक है सीजन का मैच, और बहुत ही मतलब लोग एक्साइटेड हैं, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? सबसे पहले मेरा सभी ऑनर्स स्पॉन्सर्स को सादर जय जिनेन्द्र। इस बार ऐसा है कि टोटल 15 मेंस की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, और 5 किड्स की टीम है, और 5 वुमेंस की टीम है, और हर बार से हम लोग कुछ ना कुछ प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको उसका आउटपुट भी मिल रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है चेंबूर के सकल जैन समाज में कि सभी की इच्छा है कि हमको ये टूर्नामेंट खेलना है, और मैं बोलूँ तो ये टूर्नामेंट नहीं रहा अभी, हम इसको एक सम्मेलन बोल सकते हैं। जब इवनिंग में जो क्राउड आता है, जो पब्लिक इकट्ठा होती है,
वो देख के हम उसको चेंबूर सम्मेलन की तरह बोल सकते हैं, इसको हम एक चेंबूर सम्मेलन इसको बोलते हैं। सुनील जी, यहाँ पे भी बात आई है कि सीनियर की टीम भी अगले साल इसमें ऐड होगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने हमारी ऐसी इच्छा है कि चेंबूर के जितने भी लोग को इंटरेस्ट है हम उसको इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और करेंगे। और लास्ट ईयर जब किड्स ने बोला था कि सर अंकल हम लोग को खेलने को नहीं मिलता है, हमको भी खेलना है, तो हमारी इच्छा थी तो हमने किड्स को भी खिलाया। इस बार 5 टीम किड्स की है। और जब हमारे जो बोलते हैं ना वरिष्ठ लोग आज मॉर्निंग में यहाँ पे आए तो उनको एक माहौल देख के ऐसा हुआ कि हमको भी हमारी बचपन की याद आ गई है और हम भी एक चेंबूर में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो हमने बोला कि अगर आपका प्रपोजल है तो हम इसको ठुकरा नहीं सकते, तो नेक्स्ट सीजन में हम एक सीनियर सिटीजन्स की टीम भी रखेंगे। मतलब 4 टीम रखेंगे या 5 टीम रखेंगे या 6 टीम रखेंगे, इवन 2 टीम भी रख सकते हैं, जितनी हमारे से होगी, जितना उन लोग की तरफ से रिस्पांस होगा हम लोग रेडी है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी, हमारी पूरी जेवाईजी की कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी है। क्या लगता है इस बार फाइनल मैच किसकी झोली में जाएगा? देखिए, फाइनल के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फाइनल ऐसा है जो भी जीतेगा वो हमारा जैन जीतेगा और जीत हमेशा जैन की ही होगी। तो यहाँ पे जो सब इकट्ठा हुए वो एक परिवार है पूरा, तो मैं चाहता हूँ सब ऐसे एक परिवार की तरह खेले, इस गेम को परिवार की तरह देखे और अच्छे से अच्छा गेम करे। बाकी जीत हार तो होती रहती है, इज द पार्ट ऑफ द गेम, सो जीत सिर्फ जैन और जैन धर्म की होगी। यहाँ पे जो गेस्ट स्पेशल गेस्ट और जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं उनके लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कि हम उनके लिए कुछ बोले, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये इवेंट सक्सेस हुआ है और हमको सबसे बड़ा साथ दिया है हमारे टाइटल स्पॉन्सर ने, हपटाउन सीजन्स ने, जो चेंबूर ईस्ट में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनको भी वो हाईलाइट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे हमको स्पॉन्सर्स मिलते रहे, दानदाता मिलते रहे, ताकि हम प्रोग्राम को और बड़े लेवल पे करें और सक्सेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए, हम चाहते हैं कि वो हो हमारे चेंबूर में, चेंबूर सम्मेलन में। थैंक यू। पहले तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन चेंबूर जैन प्रीमियर लीग, जो पूरी इनकी टीम है। मैं पहले भी यहाँ पे लास्ट ईयर इनके हिसाब से आया हुआ था इधर, और वही उत्साह, वही उन लोगों का जो टीम वर्क जो अभी आज है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार से क्या नया बना? वेन्यू नहीं है, मैनेजमेंट में भी थोड़ी बहुत सी अच्छी चेंजेस है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे? इससे सबसे पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। और सवाल का जवाब के जैसे कि ये देखा जा रहा है कि ये सीज़न 3 है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है हमारे को कि ये सीज़न 3 है। ऐसा लग रहा है कि बस इनका साथ हमारे साथ काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, और बस हम यही चाहते हैं कि जो सपोर्ट हमारे को आज जो युद्ध कर रही है, हमने सीज़न 1 चालू किया था 10 टीम से, सीज़न 2 हमने चालू किया 12 टीम से, और इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा युद्ध का हमारे को जो सपोर्ट मिला है, आज जाके हम उस 15 के लेवल पे पहुंच पाए हैं। और आने वाले सीज़न में कोशिश यही है कि इसको 16 जेंट्स टीम, 8 लेडीज़ टीम और 6 कम से कम बच्चों की टीम नेक्स्ट ईयर लाने का प्रोग्राम है। और इसके अलावा और साथ में जैसे संजू भाई ने भी आज बताया रहेगा आपको कि इन लोगों का उत्साह देखने के बाद आज जो अबाव 45 के 50 की रेंज में जो हमारे साथ में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे को हमेशा मोटिवेट करते आए हैं, उनका भी एक सजेशन आया है कि हम भी खेलेंगे, तो वो एक हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग है हमारे के लिए कि कम से कम हमने उनके साथ साथ में उन बुज़ुर्गों के दिल को भी छुआ है। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे हम जो युद्ध को एक साथ लेके आए हैं, आने वाले टूर्नामेंट में हम उन बुज़ुर्गों के साथ में भी रह के उनके आशीर्वाद से एक इससे भी बड़ा भव्य आयोजन हम करेंगे। चैलेंजिंग लग रहा है मैच? हमारा तो ये चैलेंजिंग है कि हम लोग इस बार बैटिंग एकदम टॉप करें और थोड़ा इससे और अच्छे स्कोर में चले जाएं। जिस तरह से आपके बैट्समैन हैं, उनको आपने क्या सोचा है इसको पायलट कर रहे हैं? सबसे अच्छे अच्छे बैट्समैन में हमारे एक बहुत चहेते जीजा जी है, उनको फर्स्ट उतारने का प्लानिंग चल रहा है। और इस बार तो शायद आप चाहिए तो आप भी लाइव कर लेना, ये बार हमारा परफॉर्मेंस सबसे टॉप रहेगा, अभी तक से सबसे अच्छा होगा। क्या कहना चाहेंगे सीजन 3? मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने आप के अंदर में एक ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है जो टीम ने, और इन लोगों ने सभी कम्युनिटी मतलब जैन के अंदर में भी एक
तरीके से हर एक का अपना अपना एक पैटर्न चलता है कि कोई स्थानवासी है, दिगंबर है, तेरापंथी है, पर ये ही एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है मुंबई में जो सबको एक साथ में लेके चल रहा है। आज हमें चेंबूर में रह के हमें गर्व होने लग गया है कि इस तरीके का जो जिस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं, इट्स रियली वंडरफुल। जिस तरीके से मैच हो रहा, क्या लगता है कि फाइनल ट्रॉफी ले जाएगी? ऑब्वियसली हो सकता है हो सकता है वर्धमान विक्टर्स ले जाए, अच्छे प्लेयर्स है और अच्छी टीम बनाई है इन्होंने, और हमारी शुभकामनाएं सभी टीमों के साथ में है कि जो एक अच्छा खेलेगी वो टीम लेके जाएगी। जी एक बार आपको खड़े हो जाए तो ये शॉट ले लो, आपका चेंबूर जैन प्रीमियर लीग तीसरा साल सर एक बहुत ही भव्य मैच हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इस जैन समाज की यूथ के लिए जो काफी एक्साइटेड है? चेंबूर जैन प्रीमियर लीग ये जो सब चेंबूर के यूथ मिलके ये कर रहे हैं और ये तीसरा साल है, और उनके लिए ये सब जैन कोई सब समाज चेंबूर के जितने समाज है वो मेरे से जुड़े हुए हैं, और आज ये सब बच्चे लोग हैं ना, ये हमारे बच्चे लोग, और उनका उनका प्रेम भी इतना है मेरे लिए, तो उनका प्रेम के लिए मेरे को आना ही है, और ये जो ये तीसरा साल है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सर इन युवाओं को सर क्या संदेश है आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं? नहीं नहीं, मेहनत से काम उनको करना ही है, खाली एक संदेश ये है खेलते रहे हो, कूदते रहे हो, अच्छा अच्छा ये टूर्नामेंट्स लेते रहे हो, खाली एक है कि नशे के अभाव में मत जाना, क्योंकि आज का युद्ध आपने देखा है बड़े घर के लोग है मगर घर का लोग जो बच्चे लोग का ध्यान नहीं रहता है, फिर वो संगत के बिगड़ जाते हैं, तो ये संगत वैसी नहीं है, ये संगत एकदम बढ़िया है और कंट्रोल में है, सबके कंट्रोल में, इसके लिए उनके डैडी मम्मी भी खुश रहते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि ये अविस्मरणीय अकल्पनीय ऐसा आयोजन IPL आप कौन सी भी प्रीमियर लीग देखिए इसके सामने फीकी है, ये अपने आप में एक अद्भुत मतलब इसको बोल सकते हैं क्रिकेट का महाकुंभ। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो ये प्रीमियर लीग को आयोजन कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका मैनेजमेंट आयोजन बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी IPL में जो सेलेक्ट होते हैं वो प्लेयर उनको मालूम नहीं हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट यहाँ है, तो वो क्यों इन ऐसे प्लेयरों को लेते हैं, इनको क्यों नहीं लेते हैं, तो ये मैं BCCI और जो IPL कमेटी है तो उनके सामने ये जरूर चर्चा की जाएगी, और जो प्लेयर के ऑप्शन होते हैं हमारे पास टीम के लिए ऐसे ऐसे ओनर है कि इसमें मैं जैसे कलकत्ता राइडर्स है, मुंबई, तो ये सी टीम्स के लिए हमारे उससे भी बड़े ओनर यहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी यहाँ वहाँ पार्टिसिपेट करें और अपनी टीम लें, तो उनके सामने ये वो बहुत छोटे नज़र आएंगे। चिराग जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ईशी राइडर्स फाइनल में आप पहुँचे हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है फाइनल को विन करना? बहुत चैलेंजिंग, अगर रन रेट वाला स्टोरी नहीं होता तो हम लोग बाहर थे, वो हमारी किस्मत चेंजर था। फाइनल मैच आप खेलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं धड़कने आपकी तेज होगी, क्या लग रहा है? हम हमारा बेस्ट देने की ट्राई करेंगे, अभी डेस्टिनी होगी तो जीतेंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारा। प्लेयर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि कोई भी मोमेंट आपका मिस ना हो, आप फाइनल तब जीत के लाएं? हमारे प्लेयर्स वैसे भी सब बेस्ट टू बेस्ट ही दे रहे, तो उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, वो उनके बेस्ट दे रहे, होगा तो मिल गए। क्या लगता है चैलेंजिंग तो है ना, अभी हमारे भाई की इज्जत है ना, ऑप्शन नहीं हमारे भाई डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ कैप्टन, मैं खुद पहली बार कैप्टन टीम को लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है, जितने इन लोग एक्साइटेड है उससे डबल मैं एक्साइटमेंट में हूँ।
लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि आप? सबने अपना अपना अच्छा रोल किया है, इम्पोर्टेंट रोल था, सबने अच्छा बहुत अच्छा 100% देंगे, 100% दिया है, अभी फाइनल्स बाकी है, डेफिनेटली। थैंक यू, पूरे टीम को क्रेडिट जाता है, सबने बहुत मेहनत किया इसके पीछे, सब पूरे टीम को क्रेडिट जाता है। कितने रन से आपने मैच जीता? स्कोर आइडिया नहीं है, वो भूल गए थे, वो जीत गए ना उसके बाद हम सब कुछ भूल गए कि क्या है क्या नहीं है, एकदम एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गए। चैलेंजिंग था बट अच्छा था, प्लेयर्स ने सब संभाल लिया, इंजॉय बहुत किया हम लोग ने, बहुत मजा आया खेल कर। लास्ट 15-20 दिन से हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस किया है हमने, रोज टर्फ पे और गार्डन से बहुत प्रैक्टिस किया है और उसी का फल है ये जीतने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरी टीम को देना चाहूँगा, और क्यों, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, पहले तो लगा नहीं था कि जीतूंगा पर टीम के हेल्प के वजह से जीत गए। और नहीं नहीं, टीम का नाम ही था ना सुपर जायंट्स, तो जायंट्स आ गया है। आप जो है पहली बार एज अ कैप्टन टीम को लीडिंग किया, कैसा लगा, कितना? मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, नेक्स्ट ईयर भी होपफुली मैं बनूंगा और शायद ऐसी टीम मुझे फिर से मिला। सीजन 4 के लिए अभी लोग एक्साइटेड हैं, तो सीजन 4 के लिए क्या करना चाहेंगे जो अगले साल? अगले साल देखते हैं, अगर यही टीम मिलती है तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए कितनी तैयारी किया था आपने? कितनी तैयारी किया था? बहुत तैयारी किया था, बहुत तैयारी की थी। पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए और ट्रॉफी जीतने के लिए, थैंक यू। शाबाश शाबाश। चिताजी क्या कहना चाहेंगे आपसे, जनरल रही, क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहा और साथ साथ क्या कमियां रह गई जो मैच को आप जीतते जीतते? प्रेशर, सबसे बड़ी चीज तो प्रेशर थी, बाकी तो कुछ भी कमी नहीं थी। बैटिंग या बॉलिंग का किसका प्रेशर? फील का, जब फाइनल में आते हो तो जो प्रेशर होता है वो एकदम अलग ही होता है। जो आपकी टीम ने काफी मेहनत किया, बहुत चैलेंजिंग रहा, लास्ट मोमेंट तक वो फाइट किए, ऐसी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इन सबको थैंक यू करना चाहूंगा, स्पेशली हैप्पी एंड सौरभ जो क्रिएट कर पाए ये सब। सीजन 4 के जो होगा आगामी प्लेयर, तो सीजन 4 के लिए तैयारी आपने भी स्टार्ट करेंगे, क्या लगता है कि सीजन 4 में विनर बनेंगे? ट्राई कर सकते हैं, अभी ऐसे कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता, क्या होगा, लिखा होगा तो होगा। थैंक यू सर।